चंपावत जिले की बुढ़म ग्राम पंचायत के सुखनी तोक की 17 वर्षीय कविता, पुत्री हर सिंह और बुढ़म तोक की ही 16 वर्षीय अनीता पुत्री कौशल सिंह आज दोपहर स्कूल से घर की ओर जा रही थी। सुखी ढांग डाड़ा मीनार सड़क पर उन्हें पीछे से आ रहे ट्रैक्टर ट्रोली में लिफ्ट ली। कुछ दूरी पर दोनों छात्रों का एकाएक संतुलन बिगड़ गया और एक मोड़ पर वह लुढ़क कर ट्रोली के टायर की चपेट में आ गई, जिस कारण दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। अचानक हुई मौत के बाद गांव में सब स्तब्ध हैं। पुलिस ने दोनों का पोस्टमार्टम कराने के लिए टनकपुर उप जिला अस्पताल में भेज दिया है। बताते चलें, इस क्षेत्र में स्कूल न होने से यहां के बच्चे 12 किलोमीटर दूर तालियाबांज स्कूल में पढ़ाई करने जाते हैं। पिथौरागढ़ 80 यूके बटालियन एनसीसी के कैडेट वाइब्रेट विलेज गुंजी में अपना 8 दिवसीय कैंप पूरा कर आधार शिविर धारचूला वापस लौट आए हैं। कैडेटों का नेतृत्व कैंप लेफ्टिनेंट कर्नल बीएस तड़ागी ने किया। गुंजी से चले कैडेट्स ने कुछ देर छियालेख में विश्राम किया और देर सायं धारचूला पहुंचे, जहां कुमाऊं स्काउट परिसर में कैडेटों का स्वागत किया गया। जागेश्वर धाम में बुधवार को खुदाई के दौरान जमीन के भीतर से 2 शिवलिंग मिले। शिवलिंग मिलने की जानकारी मिलते ही मंदिर में भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। शिवलिंग 14वीं शताब्दी के बताए जा रहे हैं। विश्व प्रसिद्ध जागेश्वर धाम में इन दिनों इल्यूमिनेशन का काम चल रहा है, जिसके लिए खुदाई की जा रही है। खुदाई के दौरान श्रमिकों को केदारनाथ और जागेश्वर मंदिर के ठीक पीछे प्राचीन शिवलिंग नजर आया। शिवलिंग मिलने के बाद कार्यदायी संस्था ने इस स्थान पर खुदाई रोक दी है। केंद्रीय पुरातत्व विभाग के मुताबिक शिवलिंग 14वीं शताब्दी के हैं। इन्हें सुरक्षित रखा जाएगा। मंदिर परिसर में पूर्व में भी कई शिवलिंग मिल चुके हैं। ये खुदाई का काम चल रहा है, लाइटिंग होने वाली है। आज ये खुदाई के दौरान अचानक यहाँ पर कार्यदायी संस्था के कर्मचारी को शिवलिंग मिला है, उसे देखने के लिए भारी संख्या में यहाँ पर भक्तजन पहुंचे हुए हैं। मंदिर समूह में भगवान शिव के करीब 108 मंदिर है। 10 साल पूर्व यहाँ भगवान विष्णु की मूर्ति भी मिली थी। नगर से लगे बजेटी गांव में ग्रामीणों द्वारा स्टैंड पोस्टों पर अतिरिक्त टोंटियां लगाए जाने की सूचना मिलने के बाद जल संस्थान के कर्मचारी मंगलवार को गांव पहुंचे। ग्रामीणों से एक ही टोंटी लगाने, मोटर से पानी लिफ्ट न करने और अवैध कनेक्शनों को वैध करने के लिए कहा। इसी से नाराज ग्रामीण आज राजीव सिंह डुंगरियाल के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट पहुंचे। ग्रामीण, प्रशासन एवं जल संस्थान के अधिकारियों के बीच में सहमति बनी। जल संस्थान के अधिशासी अभियंता सुरेश जोशी ने कहा, गांव में 12 स्टैंड पोस्ट है। 2 स्टैंड पोस्टों पर जब तक व्यवस्था सुचारू नहीं होती, 2 टोंटी लगाने व 10 स्टैंड पोस्टों पर एक ही टोंटी लगाई जाएगी। जिलाधिकारी रीना जोशी ने ग्रामीणों से व्यवस्था में सुधार करने हेतु विभाग का सहयोग देने को कहा। यदि आपने इंटरमीडिएट पास कर लिया है तो उच्च व्यावसायिक शिक्षा में प्रवेश के लिए मानस कॉलेज ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट पिथौरागढ़ में आपका स्वागत है, जहां उत्कृष्ट शिक्षण एवं व्यक्तित्व विकास के साथ ही आप 3 वर्षीय डिग्री कोर्सेज सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय अल्मोड़ा की मान्यता के साथ प्राप्त कर सकते हैं। प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं, शीघ्र संपर्क करें। अस्कोट पुलिस और एसएसबी ने संयुक्त रूप से अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर चेकिंग अभियान चलाया। प्रभारी निरीक्षक थाना अस्कोट प्रकाश चंद्र जोशी के नेतृत्व में थाना अस्कोट पुलिस और एसएसबी टीम ने काली नदी के आसपास पेट्रोलिंग की। इस दौरान लोगों से अपील की गई कि किसी भी प्रकार की संदिग्ध गतिविधि होने पर या किसी भी संदिग्ध व्यक्ति के दिखाई देने और अवैध मादक पदार्थों की तस्करी करने वालों की सूचना पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना देने को कहा। नगर से लगे न्यू सेरा कॉलोनी के आसपास घरों में आज सुबह अचानक हाई वोल्टेज आ गई। लोग अपने घरों के बिजली के स्विच ऑफ करते तब तक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, बल्ब, एलईडी, एक्वागार्ड, मोबाइल चार्जर, पीसी लैपटॉप चार्जर, सेट टॉप बॉक्स, अवन आदि फूंक गए। साथ ही मीटर भी जल गए। स्थानीय नीरज चंद्र जोशी ने तत्काल बिजली विभाग को इसकी सूचना दी। लोगों ने उपभोक्ताओं को हुए नुकसान का मुआवजा देने की मांग की है। यूपीसीएल के कनिष्ठ अभियंता वरुण सैनी ने बताया, अभी तक हाई वोल्टेज आने की कोई सूचना नहीं मिली है। सूचना मिलने के बाद नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। पिथौरागढ़ गैस उपभोक्ताओं के लिए चलाए जा रहे केवाईसी अभियान के तहत
बुजुर्गों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। चल फिर पाने में असमर्थ बुजुर्ग गैस एजेंसी केंद्र तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। अस्कोट क्षेत्र से पहुंचे सामाजिक कार्यकर्ता हरीश पाल ने बुधवार को यह मामला जिला अधिकारी के सामने रखा। उन्होंने कहा कि एक केवाईसी गैस कनेक्शन धारकों का था ये, और ये डीडीआर जाना पड़ रहा है। इसमें बहुत बुजुर्ग लोग हैं जो वहाँ नहीं जा पाते हैं, जिस कारण हम डीएम साहिबजा से अनुरोध कर रहे हैं कि अस्कोट में ही कैंप लगा दें, ताकि जो वहाँ के बुजुर्ग महिलाएं और वो हैं व्यक्ति, उनको सुविधा मिले। जिला अधिकारी ने इस मामले में उचित कार्रवाई का भरोसा दिया। बुधवार को राजकीय नर्सिंग कॉलेज में रेड क्रॉस डे मनाया गया। मुख्य अतिथि जिला अधिकारी रीना जोशी ने कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए कहा कि मानवता की सेवा करना सभी का लक्ष्य होना चाहिए। सीनियर सिविल जज विभा यादव ने कहा कि जरूरतमंदों की सेवा ही सच्ची मानवता है। उन्होंने इस अवसर पर कानूनी जानकारियां भी दी। बुधवार शाम 4 बजे से हल्की बारिश शुरू हो गई है। बारिश होने से जहां मौसम सुहावना हो गया है, वहीं जंगलों की आग भी बुझ गई है। वातावरण में फैली धुंध से भी मुक्ति मिलने की संभावना जताई जा रही है। जिले के अस्कोट, धारचूला सहित अन्य काशन में भी बारिश से जंगलों की आग बुझ गई है। कई क्षेत्र में ओलावृष्टि भी हुई है, साथ ही ऊंच हिमालयी क्षेत्र में हल्की बर्फबारी भी हुई है। आज पिथौरागढ़ में शाम को 23 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है। क्या आप घर सुधार का काम कर रहे हैं या एक नए घर की नींव रख रहे हैं? मनोज फर्नीचर हाउस एंड ट्रेडर्स में आपका स्वागत है। गुणवत्ता और ग्राहक संतुष्टि के प्रति प्रतिबद्ध, यहाँ आपको मिलेंगी सभी आकर्षक वॉल, फ्लोर, सैनिटरी टाइल्स प्रोडक्ट्स एंड एक्सेसरीज। साथ ही भवन निर्माण के लिए सरिया, सीमेंट, एंगल चैनल, पाइप सहित फेंसिंग इत्यादि भी उपलब्ध। भवन निर्माण सामग्रियों की सभी आवश्यक चीजें एक ही छत के नीचे, पिथौरागढ़ में एक विश्वसनीय स्रोत, मनोज फर्नीचर हाउस एंड ट्रेडर्स नियर पंडा बाईपास, पिथौरागढ़। अब आप पिथौरागढ़ व उत्तराखंड की सभी खबरों को हिंदी, अंग्रेजी और नेपाली भाषा में भी पढ़ सकते हैं। अभी डाउनलोड करें न्यूज़ इंडो नेपाल ऐप।